चलो ये देखो, ये 2019 में पूछा गया है, ये भी उसी के जैसे है, ठीक है। अब 2020 में आया था, ये उसी के जैसे है। वेट 200 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर वेट कितना? अगर एक अर्थ है, होमोजीनियस स्पीयर है, तो इसके सरफेस पर वेट जो है वो 200 न्यूटन है, मतलब mg 200 न्यूटन दिया हुआ है सरफेस में। अब हमको अंदर जाना, अर्थ के नीचे जाना। हाउ मच वेट हाफ ऑफ द डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो, अब मैं यहां से नीचे जाऊंगा और कितना नीचे गया? हाफ ऑफ द रेडियस। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस आर है। अब मैं कितना नीचे चला गया? हाफ ऑफ द डाउन द रेडियस, मतलब ये डेप्थ जो है वो आर बाई टू हो गया। तो डेप्थ अगर आर बाई टू हो गया तो वेट कितना हो जाएगा? तो यहां पर जो वेट है, यहां पर जो वेट है वो डब्ल्यू डैश मान लेता हूं। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास ऑफ द बॉडी और जी डैश, चेंज हो गया होगा जी डैश, ठीक है। तो मास एम और जी ऑब्वियसली कम होता है, ठीक है। तो 200 था, तो 200 तो कभी सही हो ही नहीं सकता, 250 कभी सही नहीं हो सकता। या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है भाई। हमको पता है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे वेट की वैल्यू घटती है, और सेंटर पे जाके वेट जीरो हो जाता, वेटलेसनेस हो जाता, क्योंकि जी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू डेप्थ में जी का फार्मूला क्या है? जी वन माइनस डी ओवर आर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ऊपर जाने के लिए हम दो फार्मूला यूज करते थे, नीचे जाने के लिए हम एक ही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये जी डैश इज इक्वल टू जी डी माइनस वन, ठीक है। तो एम जी वेट 200 आ गया, और वन माइनस डी डेप्थ कितना भाई? डेप्थ है रेडियस का आधा, ठीक है। और ये रेडियस ने रेडियस को, इसका मतलब ये हुआ कि 100 न्यूटन वेट, ठीक है ना, 100 न्यूटन वेट होगा यहाँ पे हाफ ऑफ द रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि 150 गलत है, सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है वर्क डन टू राइज मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो, अब अगर ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर सी ये है, ओ है, और यहाँ से मैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से एक मास कुछ ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा यार। इसको ऊपर ले जाओगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, पुल करेगी, तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। जब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है। तो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इससे पोटेंशियल एनर्जी में वो वही हमारा वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है। तो चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन टू राइज मास फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट विच इज इक्वल टू, तो वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशन में, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो यहाँ पर अगर अब जो है डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, टेंड इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच और वन प्लस एच अपान आर, वन प्लस एच अपान आर। एक तो तरीका ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि एक बच्चा है जिसको ये फार्मूला याद है कि अगर अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक मैं ले जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? एम जी एच, और दिस इज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, एच हाइट से मैं ले जाऊंगा, ठीक है। तो एक तो बच्चा है जिसको फार्मूला रट के गया हुआ है, और एक बच्चा जिसको ये पता नहीं है, फार्मूला पता नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट लगाएगा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जिस बच्चे को फार्मूला याद है वो डायरेक्ट लगा देगा एम जी एच इज इक्वल टू वन प्लस कितने ऊपर लेके गए हो? रेडियस आर अपन आर। इसका मतलब ये हुआ कि एम जी आर बाई टू, तो एम जी आर बाई टू इसका सोलूशन है, एम जी आर बाई टू इसका सोलूशन है, सी ऑप्शन सही है। अब एक बच्चा जिसको ये फार्मूला याद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेगा एच हाइट पे जो कि, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी एम एम और डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, जी एम एम और ए स्मॉलर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल, ठीक है। तो
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर या हाइट पे, तो इसकी वैल्यू यूज करती हूँ माइनस जी एम मास ऑफ द अर्थ दैट इज आर प्लस एच, दैट्स इट इज फाइनल पोटेंशियल। जब सरफेस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, तो प्लस जी एम एम ओवर आर। ठीक है, तो जिसको फार्मूला नहीं याद है वो ऐसे करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी एम कॉमन ले लो यहाँ से, अब जी एम एम और ए एम और आर है टू, आर की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू कितना, कितना ऊपर ले गए वो रेडियस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से टू आर और यहाँ से प्लस आएगा जी एम एम ओवर आर। इसका मतलब ये हुआ कुछ कॉमन आ गया यहाँ से, और जो कॉमन आ गया उसको ले लेते हैं, तो जी एम एम ओवर आर। ठीक है, और ये वन माइनस वन बाई टू, तो वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, और जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर एम अपन आर इज इक्वल टू वन बाई टू, पता ना जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, इसका यूज कर लिया मैं, तो एक आर ने एक आर को मतलब एम जी आर बाई टू। ठीक है, तो ये वो बच्चा है जो टाइम बर्बाद करेगा एग्जाम में, ये वो है। ठीक है, और बाद में रोएगा, ठीक है, कि यार टाइम नहीं मिला, टाइम मिला होता तो कुछ और क्वेश्चन कर लिए होते, ओ माय गॉड बहुत बड़ी गलती हो गई, टाइम मैंने कहाँ लगा दिया। तो इट इज़ द गेम ओवर द टाइम सेविंग, एक ऐसा गेम है एग्जाम, ये डिजाइन टू टेस्ट योर पेशेंस, योर इंटेलेक्चुअल लेवल, एंड वी कितना आप परफॉर्म कर रहे हो प्रेशर में, प्रेशर में आप कितना परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज डिजाइन द पेपर। ठीक है, तो ये जो बच्चा करेगा वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन दोनों के करने में डिफरेंस है। ठीक है, टॉपर जो होता है और जो सबसे लूजर होता है, जिसके कम नंबर आते हैं, जिसके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है यार, उन दोनों के क्वेश्चन करने में डिफरेंस है।